टीम इंडिया को बाहर देख एशिया कप से भड़के एमएस धोनी, ऋषभ पंत की जगह टीम में संजू सैमसन को शामिल करने की मांग की। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं, उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने अपना एकमात्र T20 वर्ल्ड कप खिताब साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। इसके बाद से ही टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से महरूम है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है, लेकिन एक स्टार विकेटकीपर को जगह न मिलने पर महेंद्र सिंह धोनी और फैंस बुरी तरह से भड़क गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन और शमी को T20 में शामिल करने की मांग की है। आपको बता दें दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन को जगह नहीं मिली है, जबकि वो बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। और वहीं पंत, जो कि इस समय अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उन्हें हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि संजू सैमसन ने अपने दम पर भारतीय टीम को कई मैच जिताए हैं। जब वो अपनी लय में हो तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। उनके पास वो काबिलियत है जो चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। फिर भी इतने खतरनाक बल्लेबाज को सेलेक्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप की टीम में तो क्या स्टैंड बाय में भी नहीं रखा। साथ ही संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप में जगह न मिलने पर सोशल मीडिया पर फैंस नाराज हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा कि अब तक का सबसे खराब सिलेक्शन। वहीं दूसरे ने लिखा कि संजू सैमसन का फैन होने के नाते उनके लिए ये दिल तोड़ने वाला है। संजू सैमसन का एक फैन तो BCCI के ऊपर ही भड़क गया। उसने लिखा कि BCCI की राजनीति उसका करियर बर्बाद कर रही है। T20 स्क्वाड के ऐलान के बाद MS धोनी बेहद ही नाराज हैं और बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, धोनी का ये सुझाव क्या भारत की एशिया कप जैसी स्थिति से बचा सकता है, और आपकी राय में कौन कौन से खिलाड़ी टीम में शामिल होने चाहिए? अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं।